रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज क्लासन की इनसाइट, खर्च करने से पहले दो बार सोचे लेकिन इन्वेस्ट करने में कभी मत सोचिए। दोस्तों बात पुराने दिनों की है। एंशियंट बेबीलोन में एक बहुत अमीर आदमी रहता था, नाम था अरकद। उसको इतना अमीर देखकर उसके बचपन के दो दोस्त उसके पास उसकी फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट पूछने के लिए गए। उन्होंने कहा कि हमने भी तेरी ही तरह दिन रात मेहनत की, लेकिन आज तू इतना अमीर है और हम मुश्किल से अपना घर चला पा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? अरकद ने हंसते हुए जवाब दिया कि मुझे भी ये सीक्रेट एक और अमीर आदमी ने बताया था। सीक्रेट ये था कि आप जितने पैसे कमाते हैं उनको पूरी तरह खर्च करने के बजाय कुछ पैसे आपको और इन्वेस्ट करने हैं, आपको अपने लिए भी सेव करने हैं, और इन सेव किए हुए पैसों को अपने पास रखने के बजाय आपको कहीं और इन्वेस्ट करने हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ कर करना है, जहां से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। जॉर्ज क्लासन अपनी बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में ऐसे ही अलग अलग इन्वेस्टमेंट और सक्सेस के सीक्रेट्स के बारे में बात करते हैं। हम इन्हीं सीक्रेट के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक जैसा हार्डवर्क करने के बाद और एक जैसी सैलरी होने के बाद भी कुछ ही समय में कोई बहुत अमीर हो जाता है तो कोई वहीं का वहीं रह जाता है? ऐसा क्यों होता है? जो अमीर बन गए उन्होंने अपना पैसा कैसे बचा लिया और बाकी लोगों ने पैसे को कहां पर खर्च कर दिया होगा? पैसा मैनेज करने का सीक्रेट कहीं ना कहीं इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होता है। इसका मतलब यह है कि ना आपको बहुत ज्यादा कंजूस बनकर अपनी लाइफस्टाइल से कॉम्प्रोमाइज करना है और ना ही फालतू के खर्चों में अपना पूरा पैसा बर्बाद करना है। आपका हर एक पैसा आपके लिए बहुत कीमती है, इसे सोच समझ कर ही खर्च कीजिए। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, उसको अच्छे से मैनेज करना भी आना चाहिए। आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, आपके खर्चे बनाते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे सेव कर लेने हैं, यानी आपको अपनी लाइफस्टाइल से कुछ कुछ लग्जरीज को कट ऑफ करना होगा। लेकिन सिर्फ पैसों को सेव करना ही काफी नहीं है, आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढकर अपने पैसों को वहां इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि घर पर रखे रखे तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको बैंक जैसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट नहीं करना है जहां से आपको ना के बराबर प्रॉफिट मिल रहा। आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे स्टॉक्स, स्टार्टअप्स, क्रिप्टो में बहुत वाइजली इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए आप अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी कंपनी की भी मदद ले सकते हैं जो आपके पैसों को मैनेज करने में आपकी मदद करेंगे। की इनसाइट, जितना ज्यादा हो सके सीखो, पैसे के बारे में जानकारी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों बहुत बड़े फिलोसोफर सुकरात कहते थे कि मैं इसीलिए भी समझदार हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। असली समझदारी ये मानने और समझने में होती है कि आप बहुत कम जानते हैं और आपको बहुत कुछ जानना है। यही सेम फिलॉसफी पैसे कमाने में और अमीर बनने में भी अप्लाई होती है। एक बार जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपको बहुत कम मालूम है, तो आप फिर इस फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए हमेशा क्यूरियस रहेंगे और इस तरह धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट और वेल्थ को लेकर बहुत सारी नॉलेज एक्वायर कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग फाइनेंस के बारे में ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उन्हें बहुत कम मालूम है और वो अपनी इसी कम नॉलेज के सहारे जल्दबाजी में बहुत सारे गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ अपने दोस्तों से सुनकर और विकिपीडिया में पढ़कर क्रिप्टो में अपना सारा पैसा लगा देते हैं। ऐसे लोग बिना कोई रिस्क एनालिसिस और फाइनेंशियल प्लानिंग के पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में अगर उनके सारे पैसे डूब जाते हैं तो वो अपनी नॉलेज पर सवाल उठाने की बजाय पूरा ब्लेम अपनी किस्मत पर डाल देते हैं। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा लेकर थोड़ा एफर्ट और डालकर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं तो आप बाकी लोगों से बेहतर फाइनेंशियल वर्ल्ड को जान पाएंगे और इससे आपको बाकी लोगों से बेहतर और जल्दी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में भी मदद मिलेगी। की इनसाइट, सीखने के लिए कभी गलतियों से डरना नहीं चाहिए बल्कि ट्रायल एंड एरर का रास्ता अपनाना चाहिए। दोस्तों सोशल मीडिया ने आज दुनिया को इतना फास्ट बना दिया है कि किसी भी चीज पर हमारा फोकस 15 सेकंड से ज्यादा नहीं होता है और इसी कारण हम अपनी लाइफ की बाकी चीजों को भी फास्ट करना चाहते हैं। रातों रात हम पैसा कमाकर अमीर बनना चाहते हैं। इसी कारण बहुत से लोग आजकल इन्वेस्टमेंट के शॉर्टकट तरीके जैसे लॉटरी और बैटिंग पर ज्यादा भरोसा करने लग गए। किसी के पास भी आज अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए पेशेंस और टाइम नहीं है।
किसी भी सक्सेस तक जाने वाले लंबे रास्ते को लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रियलिटी में वेल्थ एक्वायर करना एक बहुत ही लंबी और स्लो प्रोसेस है, जहां तक बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही हम पहुंच सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको बहुत सारे फेलियर्स का भी सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए ज्यादातर लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वेल्थ एक्वायर करना इतनी लंबी प्रोसेस क्यों है, इसमें इतना समय क्यों लगता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड और उसके रूल्स समय के साथ साथ बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, इसीलिए आप हमेशा एक ही रूल फॉलो करके सेम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो फिर आप सिर्फ बैठकर उससे पैसा कमाने का इंतजार नहीं कर सकते। समय के साथ जब फाइनेंशियल वर्ल्ड बदलता है तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है और कभी कभी तो कोलैप्स भी हो जाती है और आपके सारे पैसे डूब सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि समय के साथ आप अपनी स्ट्रेटजीज बदलते रहें और अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते रहें। ट्रायल एंड एरर मेथड की मदद से जैसे साइंटिफिक प्रोग्रेस होती है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट में ट्रायल एंड एरर से आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और आप समय के साथ नॉलेजेबल बनते जाते हैं। बस एक बात आपको याद रखनी है कि ट्रायल एंड एरर मेथड में गलती होना बहुत कॉमन है, इसीलिए आपको वही पैसे लगाने हैं जो आपने सेव किए और जिनके चले जाने से आपकी लाइफस्टाइल में कोई असर नहीं पड़ेगा। की इनसाइट, पैसा सिर्फ कमाया जा सकता है लेकिन वेल्थ से फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने और वेल्थ बनाने में क्या फर्क है? नॉर्मली लोगों को ये रियलाइज ही नहीं होता कि इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। पैसा कमाना एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप डेली पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर संपत्ति बनाना एक ऐसी प्रोसेस है जहां पैसा आपके लिए काम करता है। इसको और बेहतर समझने के लिए मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं, हर महीने आप एक अच्छी खासी सैलरी घर ले जाते हैं, क्या आप इसको वेल्थ बनाना कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए आप दिन रात काम कर रहे हैं और सैलरी आते ही वो आपके महीने के खर्चों में चली जाती है। वहीं पर अगर आप कुछ पैसा अपनी सैलरी से बचाकर किसी रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, तो उसको हम वेल्थ स्क्वायर करना कहेंगे, क्योंकि ऐसे में आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ज्यादातर लोग पैसा सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कमाते हैं, आने वाले महीनों के पे चेक चुकाने के लिए आप दिन रात काम करते रहते हैं और फ्यूचर प्लानिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। लेकिन ऐसा करने में एक बहुत बड़ा डेंजर है, क्या पता अगले महीने पे चेक कभी आए ही नहीं। ऐसे में वेल्थ एक्वायर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और फाइनेंशियल फ्यूचर दोनों का ख्याल रख सकते हैं। जो पैसे आपने सेव करके रियल एस्टेट या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए वो आपको इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं देंगे, लेकिन एक बार अगर वहां से पैसा आना शुरू हो गया तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके लिए काम करेगा और जब तक वो रियल एस्टेट आपका रहेगा तब तक आप उससे प्रॉफिट कमाते रहेंगे। पैसे कमाने की जगह आपको वेल्थ एक्वायर करनी है, जिससे आप अपने फ्यूचर में होने वाले किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रह सकें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। की इनसाइट, इन्वेस्टर बनिए और देखिए आप पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करने लग जाएगा। दोस्तों, इंटरेस्ट के जरिए अपने पैसे को बढ़ाना अमीर बनने का सबसे बेसिक तरीका है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आगे की पढ़ाई करने के लिए आपने एक एजुकेशन लोन ले रखा है। अब जाहिर सी बात है कि इस लोन के लिए आपको बैंक को इंटरेस्ट भी देना होगा। वहीं पर दूसरी ओर अगर आप कुछ पैसे किसी को लोन में देते हैं तो आप भी उनसे कुछ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस तरह आप भी पैसा कमाकर अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। अब आपके मन में एक फंडामेंटल सवाल जरूर उठ रहा होगा कि हम पैसों के लिए इंटरेस्ट क्यों देते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि पैसा भी रॉ मटेरियल या कंपनी के एम्प्लॉय की तरह ही रिसोर्स होता है। मान लीजिए आपको एक फैक्ट्री लगानी है, इसके लिए आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल और मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों रिसोर्सेज के लिए आपको पैसे देने होंगे। इसके साथ ही आपको कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी। इस तरह देखा जाए तो कैपिटल भी रॉ मटेरियल और एम्प्लॉयज की तरह ही एक रिसोर्स है। जब आपने बाकी दो रिसोर्सेज के लिए पैसा दिया है तो कैपिटल के लिए भी कायदे से आपको पैसा देना ही होगा। जैसे फैक्ट्री की तरफ एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए आप सैलरी देते हैं, उसी प्रकार कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है।
इन्वेस्टर बनकर लोन देकर इंटरेस्ट के जरिए पैसा कमाना अपनी वेल्थ को ग्रो करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। समय के साथ आप पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करने लग जाता है और आप वेल्थ एक्वायर करते चले जाते हैं। की इनसाइट, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद अपना साथ देते हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लक और हार्डवर्क में कोई कनेक्शन है, या लक सिर्फ आपकी मेहनत और लगन का नतीजा होता है? मान लीजिए आप बहुत मेहनत और लगन से प्रैक्टिस करने के बाद एक क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे हो, आखिरी बॉल पर 4 रन की जरूरत है, बॉल आपकी बैट से टकराकर पीछे की ओर 4 रन के लिए चली जाती है, क्या आप इसे प्योर लक या चांस का गेम कहेंगे? बिल्कुल नहीं। लक आपके साथ था क्योंकि आपने हार्डवर्क किया था, आपकी प्रैक्टिस की वजह से बॉल आपके बैट से टकराई और आप जीत गए। जब लोग बार बार लक की बात कर रहे होते हैं तो रियलिटी में उनका मतलब चांस से होता है। चांस बहुत ही एक रैंडम इवेंट होता है जिसका हार्डवर्क से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे लॉटरी के टिकट जीतना पूरी तरह चांस का खेल है। लक तो लोग अपने हार्डवर्क और प्रैक्टिस से ही कमाते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि हम अपने आप को ज्यादा लकी कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस लगातार उन अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहना है जिससे आप अपनी वेल्थ को और इंक्रीज कर सकें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जिसको स्टॉक मार्केट और फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए वो डेली स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से जुड़ी सारी खबरें न्यूज़पेपर और मैगजीन में पढ़ता रहता है। फाइनेंस में हो रही सारी उथल पुथल और नए ट्रेंड्स के बारे में वो हमेशा अपडेटेड रहता है। एक दिन ऐसे ही एक मैगजीन में खबर पढ़कर और अलग अलग आर्टिकल्स को एनालाइज करके वो एक स्टॉक में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देता है जहां से उसको बहुत सारा प्रॉफिट होता है और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाता है। उसको ये अपॉर्चुनिटी अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से मिली। लक इसीलिए उसके साथ था क्योंकि उसने मेहनत की थी। हार्डवर्क और लक हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कनेक्टेड है। की इनसाइट, हार्डवर्क के जरिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। दोस्तों, आप सब ने अपने स्कूल या कॉलेज में लोगों से बी प्रिपेयर्ड या लाइफ मंत्रा तो सुना ही होगा। अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढकर अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए भी आपको इसी मंत्रा को फॉलो करना है। हमने आपको बताया था कि कैसे हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहने से आप लक को अपना बना सकते हैं। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज मिस करते रहेंगे तो आपको बैड लक का सामना करना पड़ेगा और आपके पास सिर्फ कहानियां रह जाएंगी कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैं वैसा कर लेता। लेकिन सवाल यह है कि लोग अपॉर्चुनिटीज को मिस कैसे कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि लोग सिर्फ बैठकर इंतजार करते हैं कि कब अपॉर्चुनिटी उनकी गोद में आकर गिर जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई आपको चांदी की प्लेट में रखकर अपॉर्चुनिटीज नहीं देगा, आपको मेहनत और डेडिकेशन के साथ उनको ढूंढकर अपना बनाना होगा। ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए आपको लगातार अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करते रहना है और अपने नेटवर्क को भी बढ़ाते रहना है। याद रखें कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं और हो सकता है कि बहुत हार्डवर्क के बाद भी आपको सक्सेस ना मिले। ऐसे में आपको डिस्करेज नहीं होना है, आपको अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहना है। एक दिन अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर आपसे टकराएगी और आप उसको सक्सेस में बदल पाएंगे। की इनसाइट, आपके खर्चे आपकी कमाई को निगल सकते हैं, इसीलिए फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखकर खर्च करना चाहिए। दोस्तों, आपने भी अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को तो देखा ही होगा जो एक टाइम पर बहुत अमीर थे, लेकिन देखते ही देखते समय के साथ उनका पूरा पैसा खत्म हो गया और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे लोग क्या गलती करते हैं जिससे उनका पूरा फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ जाता है? इसका सिंपल सा जवाब है कि वो बिना सोचे समझे गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी गलतियां करने से आप कैसे बच सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने सारे महीने के खर्चों के डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लेने हैं। इन डिसीजंस को लेते हुए आपको अपनी पर्सनल नीड्स और फाइनेंशियल सिचुएशन दोनों को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक नई चमचमाती कार खरीदने के लिए बहुत उतावले, लेकिन असल में आपको उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रैवल करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक कार है और इस कार को खरीदने के लिए आपको ढेर सारा लोन लेना पड़ेगा। तो ऐसे में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और पर्सनल नीड्स ये कह दिए कि आप वो कार ना खरीदें। फिर भी मान लीजिए आप वो कार खरीद लेते तो अब हर महीने आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा आपको सिर्फ लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए देना पड़ेगा। जब असल में लोन चुकाने की बारी आएगी तो आप वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे
और उसको चुकाने के लिए आप एक और लोन ले लेंगे। इसी तरह आप लोन की एक ऐसी साइकिल में फंस जाएंगे जहां से निकलना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को सोच समझ कर लें ताकि आप लोन के जाल में फंस ना जाए। लोन लेने से न केवल आपके महीने की पूरी सैलरी इंटरेस्ट को चुकाने में चली जाती है, बल्कि साथ ही साथ आप कुछ भी सेव नहीं कर पाते, और ऐसे में अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाती है तो आप पूरी तरह घुटने टेक देते। कुल मिलाकर आपको सोच समझकर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखकर खर्चा करना है। उम्मीद है कि आपको द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की ये बाइट पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वेलकम JTS चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।